केस खत्म हो गया? नहीं, आज केवल उनका जमानत हुआ है, केस अभी चलेगा। तो दो उस केस में पहले कुछ लोग अपीयर हुए हैं और आज दो अपीयर हुए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र जी अपीयर। कोतवाली थाना कांड संख्या 1126/2019 में आज व्यवहार न्यायालय पटना सदर में उपस्थित हुए और वो फाइल जो है माननीय ACDM फर्स्ट पटना के यहाँ चल रहा है। लेकिन आज माननीय ACDM फर्स्ट छुट्टी पर थे, इसलिए उनके प्रभार में ACDM 13 मौजूद थे, उन्हीं के न्यायालय में सरेंडर किए और उनको बंद पत्र पर मुक्त करने का माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया। विस्तारित मामला क्या कुछ था? 21/12/2019 को कुछ मांग के लेकर के माननीय नेतागण डगबगला चौराहा पर धरना दिए। उसी में आरोप लगाया गया कि धरना देने से यातायात परिवहन बाधित हो गया, जनजीवन को आने जाने में काफ़ी परेशानी होने लगी। उसी में FIR किया गया है और उसी में आगे सरेंडर किए हैं और अग्रिम जमानत पहले से हो चुका था, आज सरेंडर किए। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया बेल बॉन्ड फर्निस करने का, बेल बॉन्ड फर्निस हो गया। तब ये केस खत्म हो गया? नहीं, आज केवल उनका जमानत हुआ है, केस अभी चलेगा। अभी आखिरी निर्णय नहीं हुआ है? नहीं, अभी आखिरी निर्णय नहीं हुआ है, बहुत लोगों का उसमें अपीयरेंस बाकी है, अपीयरेंस होने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मुकदमा की कार्रवाई की जाती है। जब तक अपीयरेंस नहीं कंप्लीट होगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। कितने अपीयरेंस, कितने हैं? आज मात्र दो उस केस में, पहले कुछ लोग अपीयर हुए हैं और आज दो अपीयर हुए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र जी अपीयर, और लोग पहले अपीयर हुए। तो क्या लगता है कि इसमें तेजस्वी यादव के लिए क्या सुनवाई होगी? आज माननीय तेजस्वी यादव को जमानत पर मुक्त किया।